आज हम शुरू करेंगे टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर कैसे हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना है। कंपनी हमको दी गई है मावे टेक्सटाइल, और मावे टेक्सटाइल कंपनी के अंदर हम पहले क्या करेंगे, परचेजेस करेंगे। ये सारे हम परचेज कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम परचेजेस करते हैं वैसे ये भी परचेज है, ये करोगे। उसके बाद आप आइटम जनरेट करोगे, आइटम बनाओगे यहाँ पर लॉट नंबर 1101, और इसके अंदर आपको क्या करना है, जनरेट क्वांटिटी करनी है 570, और कंज्यूम क्वांटिटी है इसके अंदर कॉटन फैब्रिक, चैन, बटन, अस्तर और रिबिट। इन सब को कंज्यूम करके हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है लॉट नंबर 1101। तो ये कैसे करेंगे, मैंने परचेज ऑलरेडी करा हुआ है इसके अंदर, ये सारी परचेज करी हुई है। अब हमें इसके अंदर क्या करना, आइटम बनानी है। तो आइटम बनाने से पहले हमें क्या करना है, कुछ फीचर ऑप्शंस को यस करना है। तो हम आएंगे कंपनी के अंदर फ्यूचर ऑप्शन, एक ये मैं ऑप्शन बंद कर देता हूँ, बिलोएबल डिटेल्स, कॉस्ट सेंटर को चालू कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हम ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, हम चालू कर लेते हैं अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, अनेबल कॉस्टिंग, ये सब हमने फीचर ऑप्शन यहाँ पर चालू किए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे गोडाउंस यहाँ पर, और जो जो हमारे जॉब वर्कर हैं उन सभी के यहाँ पर हम गोडाउन बना लेंगे। जैसे पहले हमको दिया गया कटिंग रोहित, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कटिंग मास्टर रोहित, ये बना हुआ है। दूसरा हम बना लेते हैं स्टिचिंग कमल कोमल है, और इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे प्रोडक्शन फ्लोर, प्रोडक्शन फ्लोर ये मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर वॉशिंग संदीप, उसका अंडर ग्रुप रहेगा प्रोडक्शन फ्लोर। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर प्रेसिंग रिया, प्रोडक्शन फ्लोर, और उसके बाद हम बनाएंगे पैकिंग पूजा, उसके अंडर ग्रुप में रहेगा प्रोडक्शन फ्लोर, ठीक है। ये सब बना लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद अब हम आगे काम करेंगे, इसके लिए हम आएंगे वाउचर के अंदर, और यहाँ पर F10 बटन दबाओगे, और यहाँ आ जाओगे आप स्टॉक जनरल वाउचर, स्टॉक जनरल के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे दो चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, पहली चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर कंजम्पशन, और दूसरा दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको प्रोडक्शन। कंजम्पशन का मतलब है कि आप क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, और उस रॉ मटेरियल से आइटम क्या जनरेट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या डालना है, जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है, यहाँ पर दिया गया कॉटन फैब्रिक 300 मीटर लग रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कॉटन फैब्रिक कहाँ पर है हमारा मेन लोकेशन में, तो हमने मेन लोकेशन डाला कितना 300। उसके बाद फिर क्या लग रहा है यहाँ पर, फिर कह रहा है कि वन चैन इन वन पीस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा चैन, और पीस कितने बनने हमारे, पीस बनने हमारे 570, तो 570 चैन लग जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है 10 बटन, मेन लोकेशन में, और एक पीस में कितने बटन लग रहे हैं 10, तो कितने बटन लगेंगे यहाँ पर हमारे 5700। उसके बाद क्या लग रहा है आपका 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस, 1 मीटर अस्तर जो है कितने पीस में लग रहा है हमारा, 1 मीटर अस्तर 10 पीस में लग रहा है, तो 570 पीस में कितने लग जाएगा हमारे यहाँ पर 57, और रिवेट कितना लग रहा है यहाँ पर, रिविट हमारे यहाँ पर कितना लग रहा है
10 पीस, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा। इससे आइटम क्या बन रही है, आइटम बन रहा है यहाँ पर लॉट नंबर 1101। तो हमने यहाँ पर आइटम बनाई लॉट नंबर 1101, और इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है कटिंग मास्टर रोहित। तो यहाँ पर आप क्या डाल दोगे, कटिंग मास्टर रोहित, कितने पीस बनाए इसने 570। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉस्ट ये उठा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस कॉस्ट को यहाँ डाल देना, ठीक है, ये वाली जो कॉस्ट आ रही है वो यहाँ डाल दो, क्लियर। ये काम आपको यहाँ पर करना था, नहीं डिस्काउंट का हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करना है, कटिंग से कहाँ भेजना है आपको, स्टिचिंग कमल पर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कटिंग मास्टर से आइटम क्या है, लॉट नंबर 1101, और ये कहाँ पर है, कटिंग मास्टर रोहित पर, कितने पीस 570, और कहाँ दे दिया आपने, ये आपने दे दिए लॉट नंबर 1101, कहाँ दे दिया आपने, ये दे दिया हमने इसको, स्टिचिंग कमल को, कितने पीस 570, ठीक है। अब इसका बताते हैं, उसके बाद फिर क्या किया आपने, कमल से कहाँ भेज दिया, वॉशिंग संदीप पर। तो वॉशिंग संदीप पर आपने क्या भेजा, लॉट नंबर 1101, यहाँ डाल दिया आपने कमल 570 पीस, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉट नंबर 1101, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉशिंग संदीप, कितने पीस 570 पीस। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, फिर लॉट नंबर 1101, और ये कहाँ पर है, वॉशिंग संदीप पर 570 पीस है, और कहाँ चले गए ये, अब चले गए प्रेसिंग रिया पर, लॉट नंबर 1101 570 पीस, और कहाँ गए, प्रेसिंग रिया पर। और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, लॉट नंबर 1101 570 पीस, और लॉट नंबर 1101 कहाँ चला गया, ये मेन स्टोर, ये शॉप पर, शॉप का ही बना लेना है आपको। यहाँ पर नो करना पड़ेगा, यहाँ एक मिनट को, मेन लोकेशन में डाल दे मैंने आज मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको, लेकिन सर तो इससे पहले वाले पोस्ट को तो आपने क्लियर डाला था, मैंने देखा, एक मिनट को, तो रिया के पास तो स्टॉक नहीं दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में आकर, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स स्टैटिक्स, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल के अंदर आपको ये फिर नो एंट्रीज दिखाई देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला वाला ये कंज्यूम किया हमने, और उसके बाद ये डबल एंट्री है क्या, फिर कटिंग मास्टर से स्टिचिंग कमल, स्टिचिंग कमल से सवासिंग संदीप, फिर वासिंग संदीप से यहाँ मेन लोकेशन डाल दिया था, इसलिए मेन लोकेशन आ रहा है यहाँ पर। वासिंग संदीप से कहाँ पर गया था, रिया पे गया था ना, तो यहाँ हाँ तो ये आ जाएगा। अब रिया से फिर कहाँ जाएगा, मेन लोकेशन पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इन सबका जॉब वर्क देना है। तो जॉब वर्क के लिए क्या करना रहेगा, आपको जनरल एंट्री पास करनी रहेगी, F10 बटन दबाओगे और यहाँ पर आओगे जनरल के अंदर,
ऐड करोगे और अब ऑल्ट सी से बनाओगे जॉब वर्क अकाउंट, और यहाँ पर भी ऑल्ट सी बटन दबाओगे, लिख दोगे सॉरी, इसके अंदर डाल देना एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पार्टी के अंदर डाल देना ना सिंडिकेटर, ये पार्टी नहीं बनाई हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने पीस बने, 570, और जॉब वर्क रेट क्या है, 3 रुपये पर पीस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमने डाला तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर 570 मल्टीप्लाई 3 1710, तो यहाँ पर आपने डाल दिया 1710। यहाँ से एक ऑप्शन बंद करना पड़ेगा ना, कॉस्टिंग वाला। ट्रैक कॉस्टिंग बंद कर देंगे, 1710 यहाँ डालेंगे। एक मिनट देखते हैं, आप आ गए दोबारा से, जॉब वर्क 1710 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट बना लेंगे, किसका, जो हमारा जॉब वर्कर है, कटिंग मास्टर रोहित। तो यहाँ पर हम अकाउंट बनाएंगे कटिंग मास्टर रोहित, और ऑल्ट सी से एक अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर जॉब वर्कर अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या डालेंगे, इसके अंडर ग्रुप में हम डाल देते हैं यहाँ से संडी, या तो हम इसको प्राइमरी अकाउंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और ये हमारी लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, या सिंडिकेटर में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले देंगे बीइंग जॉब वर्क लॉट नंबर 1101, तो पहली एंट्री ये डल गई। दूसरी एंट्री भी यहाँ पर ऐसे डालोगे जॉब वर्क अकाउंट, और जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट, तो कितना अमाउंट है, 35 रुपये पर पीस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप डालोगे 35 मल्टीप्लाई 30, नहीं यहाँ पर आता है कैलकुलेटर, 19950, तो यहाँ पर डाल दोगे आप 19950, और यहाँ पर डाल दोगे आप क्या नाम है इसका, स्टिचिंग का मान, ये भी जॉब वर्कर अकाउंट के अंदर ही जाएगा। और यहाँ पर आप अगर F7 बटन, कितना ये, एक कितना बनाया था, 570 मल्टीप्लाई 35 19950, और यहाँ पर स्टिचिंग कमाल ही है ना, तो स्टिचिंग कमाल। अब देखोगे अगर आप इसकी रिपोर्ट कहाँ पर आकर, बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे लायबिलिटी साइड के अंदर आपको ये जॉब वर्कर दिखा देगा कि आपको जॉब वर्कर को पैसा देना है, किसको, कटिंग मास्टर रोहित को और स्टिचिंग कमल को। और अब अगर यहाँ पर आप इसका लेज़र भी निकालोगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक लेज़र, और अब नाम डालोगे कटिंग मास्टर रोहित का, तो यहाँ पर देखो आप नाम भी आ जाएगा, कटिंग मास्टर रोहित को कितना देना है आपको, 710 रुपये, और कमल को कितना देना है, तो यहाँ आप डाल दोगे स्टिचिंग कमल, तो यहाँ पर दिखा देगा 19950 रुपये आपको कमल को देना, ठीक है। तो ये अभी बेसिक वाली है, तो इसको आपको क्या करना है, बैठ के काम करना है।